बारिश रुकने के घंटों बाद भी शुरू नहीं हुआ मैच, पूर्व पाकिस्तान दिग्गजों ने जताई नाराजगी। नमस्कार, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज की शुरुआत कल से हो गई। पहला मुकाबला कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाना था, लेकिन बारिश की वजह से बिना टॉस का ही रद्द हो गया। ये पाकिस्तान में 2009 के बाद पहला वनडे मुकाबला था, लेकिन फैंस को निराशा ही हाथ लगी। कराची में मैच से पहले लगातार बारिश हुई थी और मैदान के अंदर के साथ ही बाहर भी पानी भर गया था, इसी वजह से मैच नहीं हो पाया। आईसीसी ने मैदान के बाहर की फोटो शेयर की और इसमें चारों तरफ पानी ही पानी था। मैच शुरू होने के समय के कुछ बाद ही बारिश रुक गई, लेकिन व्यवस्था सही नहीं होने की वजह से पानी बाहर नहीं निकला जा सका। इसी वजह से जल्द ही मुकाबला रद्द करने का फैसला कर दिया गया। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान यूनिस खान, तेज गेंदबाज शोएब अख्तर और विकेट कीपर रशीद लतीफ मैच के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंतजाम से काफी नाराज दिखे। मैदान में 3 घंटे बारिश रुकने के बाद भी पानी बाहर नहीं निकला जा सका। कराची के नेशनल स्टेडियम में सुपर सापर नहीं था और इसी वजह से मैदान कमी वाइपर से पानी बाहर निकाल रहे थे, लेकिन इन तीनों ने पीसीबी से व्यवस्था बेहतर करने की मांग की है। पहले मैच में बारिश काफी ज्यादा हुई और मैदान पूरी तरह खराब हो गया। सीरीज का दूसरा मैच कराची में ही 29 सितंबर को खेला जाना था, लेकिन दोनों बोर्ड की सहमति से इसे 30 सितंबर को खेलने का फैसला लिया गया है। अंतिम मैच इसी दौरान 2 अक्टूबर को खेला जाएगा।